मुझे ना एक बात समझ नहीं आती कि लोग इतने जलते क्यों है यार। मतलब क्यों इतना जलना है तुम लोग को बताओ। कोई कुछ भी करे बस इनको जलना है। कोई कुछ भी करे, किसी ने कम्युनिटी पोस्ट डाल दी इनको जलन हो गई, किसी ने वीडियो बना दी जलन हो गई, किसी की वीडियो पे थोड़े से व्यूज़ के आ गए इसको जलन हो गई। अरे क्या औरत है भाई, कैसे लोग होते हैं ये और इसकी चमची यार। बाप रे बाप, जलन की दुकान, और दूसरा नाम ही नहीं है मेरे पास, बस जलन की दुकान ही है। क्यों इतना जलना है? किसी का कुछ अच्छा हो रहा है, भला हो रहा है, तुम्हें सहन नहीं होता? वो सहन इसलिए नहीं होता क्योंकि खुद का कुछ है नहीं ना। दूसरों के बलबूते पे जिंदा है, जिंदा नॉट जिंदा, जिंदा है टू अर्थी। दूसरे के भरोसे पे है, दूसरों के बलबूते पे है। सुबह उठ के उसी पे वीडियो, दोपहर में उसी पे वीडियो, शाम में उसी के चैनल पे वीडियो, उसकी फैमिली पे वीडियो। कितनी घटिया है, मतलब आई शपथ, मेरे को समझ ही नहीं आती कि कोई इतना चीप कैसे हो सकता है। उसकी इतनी लेवल घटिया कैसे हो सकती है कि किसी के पीछे इतना पड़ जाओ, इतना पड़ जाओ। कमाल है। और उसकी कुछ चेलियां है क्या? है वो तो पागल ही लगती है मुझे, सर पे गिरी हुई। उनको दिखता नहीं है क्या कि ये बंदी सिर्फ एक ही इंसान पे वीडियो बना बना के खुश हो रही है, कमा रही है, डॉलर्स की बातें करती है। ये एक ही बंदी पे वीडियो बना बना के खुश हो रही है और डॉलर्स भी कमा रही है। शायद वो भी अंधे हो गए हैं, मुझे तो लगता है सच में अंधे हो गए हैं वो। एक्चुअली ना उनको पता है, लेकिन क्या करे, टीचर ने बता के रखा है ना, मेरी वीडियो आए तो बस सब ने वाह वाह करनी है। जैसे मेरी वीडियो आए सब ने आके कमेंट करना है और अच्छा ही करना है। सामने वाले की वीडियो आए तो भाग के जाना है और रिपोर्ट करना है, और सिर्फ खुद के फ़ोन से नहीं, पूरे ख़ानदान के फ़ोन से। घर में जितने भी लोग हो, माँ बाप भाई बेटा, कितने भी लोग हो, तुम लोगों को बस एक ही काम करना है, जैसी वीडियो आई भाग भाग के जाओ और कमेंट करके वापस आओ। कुछ भी अपडेट मिले इमीडिएटली मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे अपडेट मिल चाहिए, वरना दो चपेटे पड़ेंगी, है ना। मैं ना क्या बोलती, मैं ना किसी को कॉपी नहीं करती। मुझे तो लगता है अब कपड़े भी सामने वाले की कॉपी कर रही है, कपड़े भी अब दूसरे की कॉपी करने लगी, इतनी ऑब्सेस्ड हो गई है, इतनी ऑब्सेस्ड किसी को लेके। हे भगवान, खुद का क्यों कुछ नहीं कर लेती? कुछ तो कर ले, कुछ तो, ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत कुछ का, खुद का कुछ कर ले। इस पे वीडियो, उस पे वीडियो, बस उतना ही। कोई कुछ भी करे इसके पेट में दर्द तो होना ही है, होगा ही होगा। इसको ना खाना सहन होता है और ना कुछ। किसी ने एक कम्युनिटी डाली इसकी चार आ जाएंगी, कोई लाइव आ गया तो ये दो बार लाइव आ जाएंगी। किसी ने एक वीडियो डाल दी उस पर इसकी चार वीडियो आ जाएगी। अरे 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 अरे, मुझे एक समझ नहीं आता, बेशर्मी की भी हद होती है, शर्म क्यों नहीं आती किसी को? इतना कॉपी करने पे, किसी के इतने पीछे पड़ने पे शर्म नहीं आती लोगों को? वो खुले आम कॉपी करती है, खुले आम ढिंडोरा पीटती है, खुले आम बता रही है, सबको खुले आम बता रही है अच्छे से कि मैं सिर्फ इसी पे वीडियो बनाऊंगी, सिर्फ इस पे और किसी पे नहीं बनाऊंगी। अब तो खुले आम बोल दिया, चलो सही है, बनाओ बनाओ। अब तुमने शर्म, जो शर्म आया होती है वो बेच के ही खा ली है, तो क्या बोले, है ना, खा चुकी है ये। और क्या बोलती है ऊपर से, क्या बोलती है कि ये मेरा कंटेंट है, क्या मुझे वाइटी से चले जाना चाहिए था? अरे पहली फुर्सत में तुझे गायब कर देना चाहिए था, एटलीस्ट वाइटी वालों ने तो।
क्या है ना, कुछ लोगों को आदत पड़ चुकी होती है फुकट का खाने की, ये बिल्कुल उनमें से है। इसको कुछ कुछ नहीं करना है खुद का, बस फ़ोन चला देना है, कुछ तो घटिया सा कलर का लिपस्टिक लगाना है, यक, इट्स सो यक, कितना गंदा लगता है वो, ईश, चिढ़ आ जाती है कभी अगर देख तो लो तो। मैं तो बाप रे नहीं देख पाती, सहन ही नहीं होता ऐसा रंगा रंगा कार्यक्रम, उससे सहन नहीं होता बाबा। कितनी घटिया शर्ट्स होती है और सो चीप क्वालिटी। एनीवेज, हर किसी की चॉइस, हर किसी की ये होती है, बट इतना चीप कौन रहता है यार। और क्या वो फ्लावर फ्लावर, ऐश, हे भगवान, कुछ लोगों को ना बिल्कुल अकल नाम पे ना कुछ नहीं, सच में अकल के नाम पे धब्बे ही ये लोग। एनीवेज, जैसे वो वैसे ही उसके कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो उसको चढ़ाते रहती है ऊपर। मुझे समझ नहीं आता, अगर कुछ गलत है तो गलत बोलना चाहिए, ये सूट नहीं हो रहा है तो बोलना चाहिए क्या। बहुत अच्छा हेयर स्टाइल है आपका, यश, सच में अगर मुझे किसी दिन किसी ने पूछ लिया ना कि कैसे लगती है, सच में बताऊंगी ना तो बाप रे हंस देंगे लोग, सच में हंस देंगे। इतनी चीप लगती है ना वो, ना धड़ अकल है, ना शक्ल है, ना कपड़ों का सेंस है, ना मुंह है ठीक से, वो दांत फटे हुए वो फटे हुए दांत है, अरे 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 अरे, लेकिन फुल ऑन रेडी रहती है दूसरों को कम दिखाने में, नीचा दिखाने में। अरे झूठ बोलने का भी एक तरीका होता है यार, कोई कुछ भी करे, तेरे प्यार का क्या जाता है, तो देख ना, तू अपना कर, तू कुछ अपना कर ले अच्छे से, क्या इसकी इसके ऊपर रोस्टिंग का नाम देके करती है रोस्टिंग। अबे रोस्टिंग का र भी आता है, स्कूल जाती ना, थोड़ा सा पढ़ लिख लेती ना तो थोड़ा सा अच्छा हो जाता ज़िंदगी में, लेकिन क्या है ना, स्कूल गई नहीं है, पढ़ी लिखी है भी नहीं, वशीले से कहीं पे लग गई है टुच्ची सी इसमें, और शान पट्टी तो देखो ऐसे दिखाती है जैसे हे भगवान मैं क्या पुण्यों का काम कर रही हूँ, मैं ऐसा महान काम कर रही हूँ ना कि मतलब बस मैं ही हूँ जगत माता और मैं ही सबकी ज़िंदगानी बचा रही हूँ। अरे यार छोटी छोटी बच्चियाँ बना रही वीडियो, जाओ ना उनके चैनल पे थोड़ा अवेयरनेस दो, यहाँ क्या भुगते रहती है चोमर।